स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का लेसन नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा। इसका नाम है द हंड्रेड ड्रेसेस फर्स्ट, और इसके राइटर हैं ईएल बोसर ईस्टर। यह लेसन लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट बुक से। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है, वेंडा पेट्रोस्की अपने सीट पर नहीं है। बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मेडीलाइन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि पेगी और मेडीलाइन, वे दो लड़कियाँ हैं जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया। नोटिस्ड हर अब्सेंस, इन दोनों ने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। सामान्य तौर पर वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, लास्ट सीट के बगल वाली सीट में बैठती थी। इन द लास्ट रो, आखिरी पंक्ति में। इन द रूम 13 नंबर रूम में। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम के कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ पे रफ बॉयज मूढ़ लड़के बैठा करते थे और अच्छे मार्क्स नहीं पाने वाले लड़के थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। The corner of the room where there was most scuffling of the feet. Scuffling का मतलब होता है जमीन पे पैर के रगड़ने से जो शोर होता है उसको scuffling कहते हैं। तो रूम का वह कोना जहाँ पे पैरों के रगड़ की शोर सबसे ज़्यादा होती थी। Most roars of laughter when anything funny was said. और बहुत ही ठहाका लगता था हंसी का जब कोई मजाक की बात हुआ करती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कीचड़ और धूल फर्श पे होते थे। वेंडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह भी मूड थी और शोरगुल करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रे, बल्कि सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल। बल्कि वह बहुत ही शांत थी और कभी कभार ही कुछ बोलती थी, कुछ कहती थी। एंड नो बॉडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसे तेजी से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. कभी कभार वह अपने चेहरे को, अपने मुंह को दोहरा कर लेती थी एक छोटी सी मुस्कुराहट में। But that was all. लेकिन यही सब था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई नहीं जानता था कि आखिर Wanda वह उस सीट पर क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights
and her feet were usually caked with dry mud. यहाँ तक कि it was because यह शायद इसलिए था क्योंकि वह आती थी बोगिंस हाइट से और उसके पैरों में कीचड़ जमी हुई होती थी, सूखी हुई कीचड़ जमी होती थी. But no one really thought much about Vanda Petronsky. लेकिन किसी ने भी वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा. Once she sat in the corner of room. एक बार वह रूम के कोने में बैठी थी. The time when they thought about Vanda was outside of school's hour. यह समय जब वे सब सोचे कि वेंडा इस समय स्कूल टाइम में स्कूल के समय में बाहर है. At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. At noon time दोपहर के समय when they were coming जब वे आ रहे थे back to school स्कूल की तरफ और in morning early before school began या फिर सुबह स्कूल शुरू होने से पहले. When groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब दो या तीन के समूहों में या इससे अधिक के समूहों में वे बातें करते हुए हंसते हुए स्कूल की आंगन की तरफ वाले रास्ते पे होते थे. Then sometimes they waited for Vanda. तब वे सभी कुछ देर वेंडा का भी इंतज़ार करते थे. To have fun with her. उसका मजाक बनाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए. The next day, Tuesday, Vanda was not in school either and nobody noticed her absence again. अगले दिन Tuesday था, मंगलवार था, लेकिन Vanda स्कूल में नहीं थी. Either and nobody noticed her absence again और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को दोबारा से नोटिस नहीं किया. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children, who got good marks and who did not track in a whole lot of mud. लेकिन बुधवार को, Wednesday को, Peggy और Maddie, जो कि क्लास में कक्षा में आगे की तरफ बैठती थीं, उन बच्चों के साथ जो अच्छे मार्क्स लाते थे, who did not track in a whole lot of mud, जो एक कीचड़ वाले रास्ते से नहीं आते थे, did notice that Vanda was not there. इन दोनों ने नोटिस किया कि Vanda नहीं है. Peggy was the most popular girl in the school. Peggy स्कूल की सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय छात्र थी, लड़की थी. सी वॉज प्रेटी, वह काफ़ी सुंदर थी. सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े थे. एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके जो बाल थे करली थे, घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे निकटतम मित्र थी. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा अब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. और इसका कारण था, पेगी और मेडी ने जो वेंडा को नोटिस किया था, उसकी अनुपस्थिति को नोटिस किया था, उसका एक कारण था कि वेंडा ने उन दोनों को स्कूल के लिए देर कर दिया था. स्कूल आने में जो देर हुई थी उन दोनों को, वो वेंडा के कारण हुई थी. दे हैड वेटेड फॉर वेंडा, उन लोगों ने वेंडा का इंतजार किया और काफ़ी इंतजार किया. टू हैव सम फन विथ हर एंड सी जस्ट हैड नॉट कम. और यह इंतजार उन लोगों ने इसलिए किया ताकि वे दोनों वेंडा का मजाक बना सके, लेकिन वह नहीं आई. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर. वे प्रायः वेंडा पेट्रोंस्की का इंतजार किया करती थीं उसका मजाक बनाने के लिए. वेंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वेंडा पेट्रोंस्की,
जैसा नाम रूम नंबर 13 में अधिकांश का नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, अधिकांश का नाम ऐसा था जिसको आसानी से पुकारा जा सकता था, बोला जा सकता था, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलेन, और वे नाम थे थॉमस, स्मिथ और एलेन जैसे। देर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एक वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचा करते थे कि वह एक मजाकिया लड़का होगा, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज, लेकिन ठीक वैसा ही नहीं जैसा कि पेट्रोंस्की थी। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के पास कोई मित्र नहीं था, कोई मित्र नहीं था वेंडा का। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वह स्कूल अकेले आती थी और फिर अकेले ही घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा ही एक हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना करती थी जो उसे ठीक से फिट नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, यह साफ था, बट इट लुक्ड एज टफ, इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली, लेकिन यह इतना कड़ा दिखता था जैसे कि इसे काफ़ी समय से, जैसे इसे कभी भी ठीक तरीके से आयरन न किया गया हो, इस्त्री न की गई हो। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसकी कोई मित्र नहीं थी लेकिन बहुत सी लड़कियां उससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, प्राय लड़कियां उसको घेर लेती थीं जब वह स्कूल के आंगन में खड़ी होकर छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखा करती थीं कठिन उस कड़े जमीन पर। हॉपस्कॉच एक खेलने का एक खेल है जिसमें बच्चे जमीन पर स्क्वायर का शेप बना के उसमें कूदते हैं। वेंडा पेगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर एस दो सी वेयर टॉकिंग टू मिस मैसन, वेंडा पेगी कहा करती थी बहुत ही शिष्ट तरीके से, जैसे कि वह अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, वेंडा वह कहा करती थी उसको हल्का सा पुश करते हुए, जैसे कि वो उसकी एक मित्र हो। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, हमें बताओ कि तुमने कितने ड्रेस रखे हैं, तुमने कितने ड्रेस बताए हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में या अलमारी में लटक रहे हैं। ए हंड्रेड वेंडा वुड से, और वेंडा कहा करती थी सौ। ए हंड्रेड एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलियसली, एक सौ हंड्रेड, यह छोटे छोटी लड़कियां बिल्कुल अविश्वसनीय शब्दों में कहा करती थीं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप्स कॉच एंड लिसन, और वे जो छोटी लड़कियां थीं वो खेलना बंद कर देती थीं और सुनना शुरू कर देती थीं। या ए हंड्रेड ऑल लाइन अप, हाँ एक सौ, और सभी एक लाइन से रखी हुई हैं, सेड वेंडा, वेंडा ने कहा। देन हर थीन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद उसके पतले होंठ सिकुड़ गए शांत के भाव में, मतलब वो फिर चुप हो गई। व्हाट आर दे लाइक आल सिल्क, आई बेट, सेड पेगी, व्हाट आर दे लाइक, वे किसके समान हैं,
आल सिल्क क्या सभी रेशम के हैं? मैं शर्त लगाती हूँ, सेठ पेगी। पेगी ने कहा, या आल सिल्क आल कलर्स सभी रेशमी हैं और सभी रंग बिरंगे हैं। वेलवेट टू मखमल के भी हैं या वेलवेट टू वेलवेट के भी हैं? ए 100 ड्रेसेस 100 ड्रेसेस या 100 वस्त्र। वेंडा वुड रिपीट स्टोली दिल्ली और वेंडा बहुत ही भावरहित शब्दों में कहा करती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ये सभी मेरे अलमारी में या क्लोजेट में एक कतार में रखे हुए हैं। देन दे हैड लेट हर गो, उसके बाद वे सभी लड़कियाँ उसको जाने देती थीं। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और जब वह बहुत ज़्यादा दूर जा पाए इसके पहले ही वे हंसी के ठहाकों में और चीखों में हंसी के ठहाके लगाने से या चीख कर मारने से अपने आप को नहीं रोक पाती थी। पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है हंसी के ठहाके, श्रीक मतलब चीखें। तो अभी वेंडा ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती थी कि वे अपनी चीखों को अपनी हंसी के ठहाकों को रोक नहीं लगा पाते थे और ठहाके लगा कर हंसने लगते थे। ए 100 ड्रेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन सी और एवरी डे। 100 वस्त्र 100 कपड़े, निश्चित रूप से उसके पास केवल एक ही कपड़ा है नीले वाला जिसे वह रोज पहना करती है। सो व्हाई डिड सी से सी हैड ए 100, फिर आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 कपड़े हैं? व्हाट ए स्टोरी, कहानी क्या है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुमने कितना बताया था, तुम कितने शूज रखती हो, कितने जूते हैं तुम्हारे पास? 60 पेयर्स आल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़े सभी मेरे क्लोजेट में मेरी अलमारी में कतार से रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस आल अलाइक, और फिर अतिरंजित चीखें जिसमें विनम्रता भी थी के साथ उसको ग्रीट किया गया। आल अलाइक सभी एक साथ हैं? और नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं नहीं सभी जोड़े अलग अलग तरीके के हैं। आल कलर्स सभी रंग के हैं। आल लाइंड अप सभी को कतार में रखा गया है। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, जिसने इस गेम की बात सोची, मजाक उड़ाने का फिर काम सोचा। एंड मैडी जो कि उसकी कभी अलग न होने वाली मित्र थी, अभिन्न मित्र थी, वे आर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वे सभी बिल्कुल अंत में जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और आखिर सबसे पहले वेंडा गली की तरफ जाती थी। हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज, उसकी आंखें झुकी होती थीं और मुंह उसका बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी है, वो अपने शोल्डर को अपने कंधे को बाएं कंधे को से उसको थोड़ी अड़चन थी। एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे, और इस तरह से वो अपने जो अड़चन थी उसके बाहिने कंधे पे वो एक मजाकिया सा दिखता था। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन, और फिर वह स्कूल से अपने यात्रा को पूरा करती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रुएल, पेगी वास्तव में क्रुएल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, वह छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी। बुलीज मतलब जो कमज़ोर लड़कों को डराते हैं, तो ऐसे बच्चों से
छोटे बच्चों को बचाया करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रीटेड, और वह घंटों चिल्लाया करती थी अगर वह देखती थी किसी जानवर को भी प्रताड़ित किया जा रहा हो तो। इफ एनीबॉडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता कि डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूएल वे टू ट्रीट वेंडा, तुम्हें वेंडा को भी एक निर्दयतापूर्वक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ करती थी। क्रूएल, निर्दयी, व्हाई डिड द गर्ल से सी हैड ए 100 ड्रेसेस, आखिर वो लड़की यह क्यों कहा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाई डिड द गर्ल्स, आखिर लड़की क्यों कहा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबॉडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी कह सकता है कि यह झूठ है। व्हाई डिड सी वांट टू लाई, आखिर वह झूठ क्यों बोलती है। एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और क्या और वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। एल्स व्हाई डिड सी हैव नेम लाइक दैट, या फिर उसने ऐसा नाम क्यों रखा है। एनी वे दैट नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो फिर उसे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर उसके बाद उन लोगों ने उसे कभी चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं किया। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेस एंड हाउ मैनी हैड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वाज बोदनिंग हर, और मैडी के लिए वेंडा से यह पूछा जाना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट हैं, या ये चीज़ कितनी है, वो चीज़ कितनी है, जिससे कि उसको तकलीफ होती थी, जारी रखी। मैडी वाज पुअर हर्सेल्फ, मैडी भी अब खुद पुअर थी, गरीब थी। सी यूजुअली ओड सम बॉडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वह प्रायः दूसरों के उतारे हुए वस्त्र पहना करती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट और हैव ए फनी नेम। थैंक्स गुडनेस, या अच्छा ही है, सी डिड नॉट लिव अप इन बॉगिंस हाइट, वह बॉगिंस हाइट में नहीं रहती है, या उसका एक मजाकिया नाम नहीं है। समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी जब पेगी वेंडा से इन प्रश्नों को पूछा करती थी बहुत ही विनम्र स्वरों में और चिढ़ाने के लिए, मेंडा फेल्ट एम्बास्ड एंड स्टडीड द मार्वल इन द पाम और हर हैंड रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। मैडी बहुत शर्म महसूस किया करती थी और अपने हाथ में लिए कंचों के अध्ययन में लगा देती थी, मतलब उसको गिनना शुरू कर देती थी, और अपने हथेलियों को रगड़ती थी और कुछ भी नहीं करती थी। Not that she felt sorry for Vanda, और वह Vanda के लिए कोई दुख नहीं महसूस करती थी। Exactly, she would never have paid any attention to Vanda, वास्तव में वह कभी भी Vanda पर कोई ध्यान नहीं दी थी। If Peggy had not invented the dresses game, यदि Peggy ने इस ड्रेस गेम की खोज नहीं की होती तो। But suppose Peggy and all the others started in on her next, लेकिन सोचो Peggy और दूसरे अगर उसके साथ भी यह शुरू कर दें तो। She was not as poor as Vanda, वो Vanda इतनी गरीब तो नहीं है। Perhaps, but she was poor, लेकिन वह भी गरीब ही है।
Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. लेकिन उसके पास वेंडा से कहीं ज़्यादा समझ है कि वह कभी नहीं कहेगी कि उसके पास 100 वस्त्र हैं. Still she would not like for them to begin on her. और वह ऐसा मजाक अपने साथ शुरू नहीं होने देगी. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petrowski. वह कामना करती थी कि पेगी वेंडा पेट्रोंस्की को चिढ़ाना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. आज भी यद्यपि वे सभी स्कूल के लिए देर हो गई थी, देर से थी, मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. मैडी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे आज वेंडा का मजाक नहीं बनाना था. सी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम ऑफ सेंट माइंडली. उसने अपना मैथ का कार्य किया बिल्कुल ही अनमने ढंग से. 8 times 8 लेट सी सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगीज नोट बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी है. 8 बार 8 बार लेट्स सी देखते हैं. सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट. वह चाहती थी कि वह एक कुछ लिखे, एक पैगी के लिए एक नोट लिखे. बिकॉज सी न्यू क्योंकि वो जानती थी. सी नेवर वुड हैव द करेज उसके पास ये कभी साहस नहीं होगा कि वह कह सके पैगी से कि टू स्पीक राइट आउट टू पैगी कि पैगी से कह सके कि ठीक से बोला करो. टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा. वह कह सके कि हे पैग तुम वेंडा से पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितने वस्त्र हैं. When she finished her arithmetic, जब उसने अपना मैथ का कार्य पूरा किया, she did start a note to Peggy. उसने पेगी के लिए एक नोट लिखना तैयार शुरू किया. Suddenly she paused. अचानक ही वह रुक गई. And shuddered और कांप गई. She pictured herself in the schoolyard. उसने अपने आप को स्कूल के आंगन में पाया. A new target of Peggy and the girls. वह पैगी और दूसरी लड़कियों का अगला टारगेट के रूप में. पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन. पैगी निश्चित रूप से पूछेगी कि आखिर उसने यह ड्रेस या वस्त्र कहाँ से पाया है जो उसने पहना हुआ है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. और मैगी को यह कहना होगा कि यह पैगी के पुराने कपड़ों में से एक है और जिसे मैडीज की माँ ने छिपाने के लिए उसमें कुछ नई सिलाई, कुछ नई कटिंग कर दी है ताकि रूम में कोई इसे, रूम नंबर 13 में कोई इसे पहचान न सके. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. यह तभी संभव हो सकता है जब पैगी खुद ही सोचे कि अब वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करना है. ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर एस दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट अवे. ओह वे मैडी ने अपने हाथों को अपने ब्लंड हेयर में घुमाया जैसे वो अपने असामान्य विचारों को वहाँ से ढकेलना चाहती हो, दिमाग से निकालना चाहती हो. वाट डिफरेंस डिड इट मेक. आखिर इसमें क्या अंतर है. स्लोली मैडी टोर इंटू बीट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड.
Suddenly, slowly, Maddie tore into bits the note she had started. अचानक ही उसने उस नोट को फाड़ डाला जो उसने लिखना शुरू किया था. सी वॉज पेगी बेस्ट फ्रेंड. वह पेगी की सबसे बेहतरीन मित्र थी. एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और पेगी उस रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली डाउन सी थॉट. उसने सोचा कि पेगी संभव ही नहीं है कि कुछ गलत करे जो गलत है, मतलब गलत वो कर ही नहीं सकती. एज फॉर वेंडा सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन वॉगिंग्स हाइट्स एंड स्टूड एलोन इन द स्कूल यार्ड. और वेंडा के लिए भी, जो कि उन कुछ लड़कियों में से है जो वॉगिंग्स हाइट पे रहती है और स्कूल के आंगन में अकेले खड़ी रहती है. सी स्केयर सीली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बॉडी. उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो. दी ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज. द ओनली टाइम, केवल उस समय जब वह स्कूल के आंगन में अपने 100 वस्त्रों के बारे में बताती है. मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि वो अपने 100 वस्त्रों को बता रही है. पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, हल्का नीला जिस पे रंग बिरंगा सिलाई किया गया है. एंड सी रिमेम्बर्ड अनदर, उसको दूसरा भी याद है. दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि बिल्कुल शानदार जंगली हरे रंग का है. विथ ए रेड सैश, जिसपे एक लाल रंग की कमरबंद भी है. यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इसमें एक क्रिसमस ट्री जैसा दिखोगी. द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, लड़कियों ने एक झूठे प्रशंसा के साथ कहा. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस आल लाइन अप इन द क्लोजेट. वह वेंडा और उसके 100 वस्त्रों के बारे में सोच रही थी जो कि अलमारी में थी. मैडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. मैडी को अब इस सोच के आश्चर्य होने लगा था कि कलाकारी और रंग चित्रकारी में, कलाकारी और चित्रकारी की प्रतियोगिता में कौन जीतने जा रहा है, कौन जीतने वाला है. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. इस प्रतियोगिता में लड़कियों को पोशाकों को डिजाइन करना था और लड़कों को मोटर बोट डिजाइन करनी थी. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल्स. बहुत हद तक संभव है कि पेगी लड़कियों में मेडल जीते. पेगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन रूम. पेगी ने सबसे बेहतर बनाया है रूम में, अन्य छात्रों की तुलना में या लड़कियों की तुलना में सबसे बेहतर बनाया है. एट लीस्ट दैट इज व्हाट एवरी बॉडी थॉट. कम से कम यही हर कोई सोचता है. सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन. वह मैगजीन से पिक्चर को कॉपी कर सकती है और सम फिल्म स्टार्स हेड या फिल्म स्टारों के सिर को कॉपी कर सकती है. सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. अब तुम उसे देख के आसानी से बता सकते हो कि यह कौन है, मतलब वह जो तस्वीर बनाती है बिल्कुल अच्छा बनाती है जिसे देख के पहचाना जा सके. ओ मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन. मैगी को निश्चित था कि पेगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. अच्छा, आप कल तो अध्यापक इस बात को घोषित कर देंगे, विजेता का नाम घोषित कर देंगे. देन दे हैड नो, तब वे सभी जान जाएंगे. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगी अम्ब्रेला. मैडी और पेगी स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी आ रहे थे पेगी के छाते के नीचे, पेगी के छाते के साथ. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. सामान्य दिनों की तरह उन लोगों ने उस दिन
वेंडा पेट्रोंस्की का इंतजार ओलिवर स्ट्रीट के कोने में नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फॉर फॉर अवे अंडर द रेल बोर्ड ट्रैक एंड अप द हिल, और यह जो कोना था वह रेल बोर्ड से काफ़ी दूर था और यह था पहाड़ी के ऊपर। लेड टू बोगेंस हाइट, और यह बोगेंस हाइट की तरफ था। एनी वे दे वेयर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टूडे, आज वे स्कूल देर होने के कारण पर कोई बात नहीं कर रहे थे। बिकॉज टूडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टूडे, आस्क पेगी। पेगी ने पूछा, क्या तुम सोचती हो, क्या तुम समझती हो कि आज मिस मैसन विजेता का नाम घोषित करेंगी। ओ आई होप सो, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। द मिनट वी गेट इन, कुछ ही मिनट में हम अंदर होंगे, सेड मैडी। मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स वी विल, यू विल विन पेग, निश्चित रूप से पेग तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसा उम्मीद है, सेड पेगी इगरली। पेगी ने भी बहुत ही उत्सुकता से कहा। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, वह समय जब वे लोग क्लासरूम में प्रवेश किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, देयर वेयर ड्रॉइंग ऑल ओवर द रूम, वे चकित रह गए कि वहाँ रूम में चारों तरफ ड्रॉइंग्स थीं। ऑन एवरी लेज एंड विंडो स्टिल डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, और प्रत्येक विंडो स्टिल पर चमकते हुए ड्राइंग्स थे। लेविस डिजाइन, और जो डिजाइन थी वो बिल्कुल शानदार थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, वे सभी डिजाइनें बहुत ही अच्छे पेपर पर, लपेटे जाने वाले पेपर पर बनाई गई थीं। देयर मस्ट हैव बीन ए 100 ऑफ देम, और ये सब जो थी निश्चित रूप से 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। आर लाइंड अप, सभी एक कतार में रखी हुई थी। दीज मस्ट बी ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये सभी निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए रखी गई हैं। दे वेयर, वे थी। एवरी बॉडी स्टॉप एंड विसल्ड, हर कोई रुक गया और सीटी बजाया। आर मर्मर्ड एडमायरिंगली, या फिर प्रशंसा के शब्दों में बड़बड़ाया। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे ही क्लास या क्लास के बच्चे स्टूडेंट एकत्रित हो गए, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर, मिस मैसन ने विजेता का नाम घोषित किया। जैक बैगल्स हैड ऑन फॉर द बॉयज, लड़कों में जैक बैगल्स ने जीता है, शी सेड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी जो डिजाइन है मोटर बोट की, आउटबोर्ड मोटर की, उसका प्रदर्शन रूम नंबर 12 में हो रहा है। अलॉन्ग विथ द स्केचेज बाई ऑल द अदर बॉयज, और इसका प्रदर्शन दूसरे बच्चों के ड्राइंग से या स्केच के साथ किया जा रहा है। एज फॉर द गर्ल्स, और जैसा कि लड़कियों में, सी सेड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन आर टू स्केचेज वेयर सबमिटेड बाई मोस्ट, जैसा कि केवल एक या दो स्केच ही सभी लड़कियों के द्वारा जमा किए गए हैं, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफर, एक लड़की है जिस पर रूम नंबर 13 को गर्व करना है। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, वास्तव में इस लड़की ने 100 डिजाइनें बनाई हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी डिजाइनें अलग अलग तरीके की हैं और बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्थी टू विनिंग द प्राइज, जो जजों का फैसला है, जो जजों का विचार है, उसके अनुसार इसमें से कोई भी प्राइज जीतने के लिए काफ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह कहते हुए कि वेंडा पेट्रोंस्की लड़कियों में
विनर है, विजेता है मेडल की। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन अब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। दुर्भाग्य से वेंडा कुछ दिनों से स्कूल में अनुपस्थित है एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। और वह यहाँ पे तालियों को रिसीव करने के लिए नहीं है जिसे पाना उसका हक है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो। उम्मीद करना चाहिए कि वह कल यहाँ पे होगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक हर एक्सक्विजिट ड्राइंग। अब सभी क्लास के बच्चे यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, तुम्हें इस रूम में शांति से होना चाहिए और उसकी शानदार डिजाइन को देखना चाहिए। द चिल्ड्रेन बस्ट इंटू अप्लॉस। बच्चे ताली बजाने लगे एंड इवन द बॉयज वेयर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और इसमें से कुछ बच्चों को फर्श पे पैर पटकने का भी मौका मिला। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल। कुछ ने मुंह में उंगलियां डालकर सीटी भी बजाया। दो दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। यद्यपि वे सभी पोशाकों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। लुक पेग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने कहा, देखो पेग, देयर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, इज नॉट इट ब्यूटिफुल। देखो यह जो नीला वाला है जिसके बारे में उसने बताया था, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पेगी। पेगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे वह हरा वाला है बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे वह हरा वाला है एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा बना सकती थी।